अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी छोटी सी फैमिली के लिए एक अमेजिंग सा 2BHK अपार्टमेंट इन मोहाली, तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर। आज का हमारा 2BHK अपार्टमेंट रहने वाला है ऐसी लोकेशन पे जो कि कनेक्टेड रहेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ, एज वेल एज कनेक्टेड टू खरालांद्रा हाईवे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ ग्लिम्स एंजॉय कीजिए। आज का हमारा सैंपल अपार्टमेंट यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आपका जो एक्चुअल अपार्टमेंट रहेगा उसका वुडन डोर आपको सिमिलर एज इट इज मिलने वाला है। सो ये हमारा आ जाता है आज का 2BHK अपार्टमेंट, जो कि आपको 2 बेडरूम 2 वॉशरूम कॉन्सेप्ट के साथ दिया जा रहा है, ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया प्लस योर मॉडुलर किचन एंड बालकनीज के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट में अगर आपको आइडिया दूं तो यहाँ पर जो इसका साइज रहने वाला है वो रहेगा 1182 स्क्वायर फीट, और अगर मैं स्क्वायर यार्ड में उसका साइज बताऊं तो वो अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाता है 131 स्क्वायर यार्ड के साइज में। सबसे पहले आपका आ जाएगा ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया, और उससे पहले आपको यहाँ पर एक खाली स्पेस दी जाएगी। इस वक्त यहाँ पर तो क्रॉकरी पैनल इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये स्पेस आप एज अ पूजा घर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स आपकी आ जाएगी, जो कि सिमिलर रहने वाली है अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको प्रोविजन दी जा रही है LED के लिए, AC डक्टिंग आपको पूरे अपार्टमेंट में प्रोवाइड की जाएगी। साथ में ही आपकी जो सीलिंग है वो आपको ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया में प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन उसमें कोव लाइट्स नहीं रहेंगी। और साथ ही में यहाँ पर आपकी आ जाती है LED प्रोविजन। और अगर मैं इस ड्रॉइंग एरिया की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े आराम से आपका यहाँ पे यू शेप या फिर एल शेप सोफा इंस्टॉल हो सकता है। और इसी के साथ अगर मैं इस ड्राइंग एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 19x11 इसका साइज आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया आ जाएगा बिल्कुल एडजॉइनिंग, जिसका साइज रहेगा अप्रॉक्सीमेट 10x8। एडजॉइनिंग इसके किचन आ जाती है, लेकिन किचन से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके यहाँ से अटैच्ड बालकनी भी रहने वाली है, ये आपके किचन से भी अटैच्ड है और आपके लिविंग एरिया से भी इसकी एक्सेस रहने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू 2BHK अपार्टमेंट आपको बहुत अच्छी बालकनी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। UPVC विंडोज आपकी टफनिंग ग्लास के साथ यहाँ पर रहने वाली है। बालकनी के साइज की बात करो अप्रॉक्सीमेट आपका 11x6 इसका साइज आ जाता है, 6 फीट वाइड रहने वाली है और लेंथ इसकी 11 फीट आ जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सिटिंग आपकी विद सेंट्रलाइज टेबल बड़े ही आराम से यहाँ पर आप रख सकते हैं। और डाइनिंग एरिया में आप देख ही सकते हैं 6 सीटर डाइनिंग टेबल तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। सो किचन की बात करूँ 7x11 इस किचन का साइज आ जाता है, यहाँ पर आपका डबल रेफ्रिजरेटर स्पेस फ्रंट में आ जाएगा। साथ में ही सारे अप्लायंसेज की स्पेस आपको यहाँ पर दी जा रही है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज माइक्रोवेव OTG ओवन एक्सेट्रा है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। बाकी आपकी जो किचन है आपको मॉड्यूलर प्रोवाइड की जा रही है। अपर लो कैबिनेट आपके सेम आ जाएंगे, हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ एज इट इज रहने वाले हैं। साथ में ही आपकी होब एंड चिमनी की प्रोविजन आपको दी जा रही है। ड्रॉर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ आपके ड्रॉर्स आ जाते हैं। साथ में ही आपका काउंटर टॉप सेम रहेगा, या आपके टाइल्स वर्क यहाँ पे सिमिलर रहेगा। किचन की सीलिंग आपकी सेम आ जाएगी, साथ में डुअल सिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। RO एंड गीजर की प्रोविजन के साथ आपको किचन दी जा रही है। यहाँ से एक्सेस आपके बालकनी एरिया की आ जाती है, इस बालकनी में आप एज यूटिलिटी एरिया भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी लिविंग एरिया के साथ अटैच्ड है। सो मैं आपको लेके चलती हूँ इस 2BHK अपार्टमेंट के बेडरूम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके घर में अगर कोई भी आता है गेस्ट या फिर कोई सर्विस के लिए आता है, तो आपके जो रूम्स हैं उनकी विजिबिलिटी डायरेक्टली आपके अपार्टमेंट से अंदर से नहीं रहने वाली है, तो प्राइवेसी भी इस 2BHK अपार्टमेंट में कम्प्लीटली ध्यान में रखी गई है। यहाँ पर आपका बेडरूम आ जाता है, ये सामने बेडरूम रहने वाला है, एंड यहाँ पर आपका एक कॉमन वॉशरूम भी आ जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं इस रूम के साइज़ की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेट 11x14 इस रूम का साइज रहने वाला है। रूम में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, वार्डरोब आपकी इसमें इंक्लूड रहने वाली है ड्रेसिंग एरिया के साथ, और आपका AC डक्टिंग LED प्रोविजन इसमें रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, मिरर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड ये ओपनेबल रहेगा। सो यहाँ पर आपकी एक्सेसरी ज्वेलरी एक्सेट्रा आ जाएगी। साथ में ही अगर मैं इस वार्डरोब की बात करूँ तो ये भी आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे आपको इनफ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। अपर कैबिनेट्स में इसमें रहने वाले हैं,
यहाँ पर आपके LED पैनल आ जाएगा बिल्कुल फ्रंट में। इसके साथ ही आपकी जो सीलिंग है वो आपको नॉर्मल प्रोवाइड की जाएगी रूम्स के अंदर, AC डक्टिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपके अटैच्ड क्या था ठीक है एंड यहाँ पर आपके इस रूम की विंडो आ जाती है, ये ह्यूज विंडो रहने वाली है इसके पीछे। 6x7 के साइज में आपका ये मास्टर वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम सेम एज इट इज रहने वाला है, जहां पर आपकी जो फिटिंग्स है वो फ्लोटिंग यूज की गई है। यहाँ पर आपकी सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है। शार सेक्शन आपका बिल्कुल इस तरफ आ जाता है। साथ में आपकी जो वॉल टाइल्स है वो ग्लोसी रहने वाली है सेम थीम के साथ, यही ग्रेश टाइल्स आपकी रहेंगी आपके अपार्टमेंट में। वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो के साथ साथ आपको एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन भी दी जा रही है। गीजर की प्रोविजन आपके दोनों ही वॉशरूम्स में रहने वाली है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड बेडरूम, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ पर आ जाता है कॉमन वॉशरूम। सो इस वॉशरूम की थीम आपके ब्लू प्लस ग्रेश कुछ रहने वाले है। टोन आप चेक कर सकते हैं, सिमिलर वॉशरूम रहेगा सेम वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स के साथ। अगेन इस वॉशरूम में भी जो आपके फिटिंग्स हैं वो फ्लोटिंग यूज की गई है, ताकि आपकी यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही में शार सेक्शन इधर आ जाता है, आपका गीजर एंड आपके एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन इस वॉशरूम में भी आपको प्रोवाइडेड की जा रही है। साथ में इस वॉशरूम का साइज भी बहुत ही अमेजिंग है, अप्रॉक्सीमेट 6x7 इसका साइज भी रहने वाला है। सो आपके अपार्टमेंट में दोनों रूम्स के साइज बिल्कुल सिमिलर रहने वाले हैं, 11x14 इस रूम का भी साइज रहेगा। किंग साइज बेड बड़े आराम से आपके दोनों ही रूम में आ जाएंगे। उसके अलावा आपकी जो वार्डरोब है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी इनबिल्टेड मिल रही है। सो ये आपकी वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब स्पेस दोनों ही रूम्स में बहुत अच्छा है, सिमिलर वार्डरोब रहेगी दोनों रूम्स में ड्रेसिंग एरिया के साथ। यहाँ पर भी ड्रेसिंग एरिया आपको सेम प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पर आपकी LED प्रोविजन आ जाती है। सेम वॉल पे आपकी AC डक्टिंग भी रहने वाली है। इस रूम में आपको एक बालकनी अटैचमेंट भी मिल रही है, लेकिन बालकनी के साथ साथ यहाँ पर आपकी एक ह्यूज विंडो भी रहने वाली है। सो वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको प्रॉपर हर जगह पे विंडोज दी जा रही है, बालकनीज दी जा रही है, जिससे कि आपके घर में प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन बनी रहेगी। सो ये था हमारा 2BHK अपार्टमेंट का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। दोबारा मैं एक बार आपको लेआउट समझाती हूँ। तो जैसे आप एंटर करोगे, सबसे पहले आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा, जिसके एडजॉइनिंग आपकी किचन रहने वाली है एंड एक बालकनी आपको यहाँ पर लिविंग एरिया के साथ अटैच्ड मिल रही है। फिर आपके आ जाते हैं दोनों रूम्स, एक आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा इस रूम के साथ भी अटैच रहेगा, और कॉमन ही आपका लिविंग एरिया के लिए भी रहेगा, और यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम दिया जा रहा है इस रूम के साथ। तो ये था हमारा आज का 2BHK अपार्टमेंट। इस रिलेटेड कोई भी क्वायरी आपकी है, प्राइस रिलेटेड डिटेल्स के लिए आपको कुछ भी जानना है, या फिर आप यहाँ पर 2BHK की जगह 3BHK ढूंढ रहे हैं, 4BHK ढूंढ रहे हैं, सेम ही मोहाली में हाईवे के साथ कनेक्टेड, तो आप उसके लिए हमें कॉल्स कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब YouTube चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन, आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय।